हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो हम तो मिस स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि यीशु जो है रनिंग के लिए आती है, और राबिया जब रनिंग के लिए आती है तो यीशु से उल्टा सीधा बोलती है, जहाँ उसके अंकल और उसके कोच काफ़ी कुछ बोल देते हैं, उनको समझाते हैं। उसके बाद घर आते हैं वापस और तैयार होते हैं और स्कूल आते हैं, तो यीशु पहले से होती है और राबिया थोड़ी देर में जाती है और अपना बैग रखती है और बाहर प्लेग्राउंड में आती है और यीशु के पास जाती है और कहती है, यीशु। तो यीशु कहती है, हाँ बोलो। तुम एक बात बताओ, क्या आज सुबह तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही थी मुझे ग्राउंड में? वो ग्राउंड क्या आपके पापा का है या उसको आपने ख़रीदा है जो आपने मुझे इस तरह से बोला? यार देखो, मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ आज, तो तुम तुम्हारी पढ़ाई का पिटारा उठाओ और जाओ यहाँ से। इस बार ऐसा ना हो तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। समझ में आया तुम्हें राबिया? तो बेवजह मुझसे भिड़ने मत हो। मैं भिड़ रही हूँ तुमसे। आज सुबह मैं रनिंग के लिए आई थी और तुमने मुझे उल्टा सीधा कहा अपने अंकल के सामने, और कह रही हो मैं भिड़ने आई थी तुमसे। यीशु कहते, देखो लास्ट बार तुम्हें समझा रही हूँ, जाओ यहाँ से। मेरा मूड बिल्कुल नहीं है तुम्हारे साथ बहस करने का, और सच में ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे साथ मैं कुछ कर दूँ और तुम्हें दिक्कत हो जाए। जाओ यहाँ से। राबिया सृष्टि की तरफ देखती है और कहती है, समझा लो अपने इस दोस्त को, इसमें अकल नहीं है। सृष्टि बोलती है, आई एम सॉरी, मैं तुम लोगों के बीच में कुछ नहीं बोलने वाली, अपना मैटर खुद सॉल्व करो, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, कोई भी बात नहीं करनी। ये कह के सृष्टि वहाँ से चली जाती है और यीशु भी कह देती है, सृष्टि तो गई, अगर तुमने मुझसे बहस की ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राबिया भी पता नहीं क्या सोचती है और वहाँ से चली जाती है। यीशु को मन ही मन खुश हो जाती है कि वाओ, मज़ा आ गया, अब कम से कम ये मुझसे डरती तो है। खैर, इसी तरह वक्त बीतता रहता है और दोनों के फाइनल एग्ज़ाम आ जाते हैं। तो राबिया का जो रोल नंबर होता है वो यीशु के आगे आ जाता है, मतलब यीशु जो होती है वो राबिया के आगे बैठती है और राबिया का रोल नंबर यीशु के पीछे होता है। एग्ज़ाम शीट मिलती है, टीचर सबको ऑल द बेस्ट बोलते हैं और एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर पढ़ते ही यीशु के तो तोते उड़ने लगते हैं। पढ़ाई तो वो करती नहीं है ज़्यादा, हर वक्त खेल कूद मस्ती लड़ाई झगड़ा यही रहता है। तो राबिया तो फटाफट पढ़ने लगती है, वो मतलब लिखने लगती है आंसर्स, और यीशु जो है एक आंसर लिखती और राबिया को पूछे मुड़ मुड़ के देखती और उससे कहती, बता दो ना कुछ। हाँ ओए, कुछ तो बता दो। तो यीशु जो है उसे इग्नोर करती है, सॉरी राबिया उसे इग्नोर करती है। तो यीशु जो है अपना फिर किसी तरह एक आंसर लिखती और फिर पीछे देखने लगती, तो राबिया ये देख देख के एकदम परेशान हो जाती, तो कहती है कि आगे देख लो, मेरे माथे पर नहीं लिख रहा है आंसर, समझ में आया? यीशु कहती है, बहुत भाव खा रही हो तुम। हाँ तो पढ़ लिया करो ना, पढ़ लोगी तो इतनी दिक्कत ही नहीं होगी, लेकिन तुम जैसा टपोरे इंसान पढ़ता क्या, हर वक्त खाली खेल कूद मस्ती, दूसरों से लड़ना झगड़ना, हॉस्पिटल पहुँचाने की बातें करना, बस यही तो करता है। पढ़ाई कर लेती तो आज ये नौबत नहीं आती ना। तो यीशु को बड़ा बुरा लगता है उसका ये कहना, तो
उस दिन तो वो फिर उसके तरफ नहीं देखती, नेक्स्ट एग्ज़ाम आता है वो फिर वही हरकतें करती है, राबिया फिर उसे झाड़ देती है, फिर एग्ज़ाम्स आते हैं फिर यही हरकत, फिर राबिया झाड़ती है, फिर एग्ज़ाम आता है, फिर राबिया उसे अल्टीमेटम देती है कि सुन लो मेरी बात, अगर तुमने मुझे परेशान करना नहीं छोड़ा ना, मैं ना अभी तुम्हारी कंप्लेन कर दूँगी, ये याद रखना। तो ईशू को लगता है कि ऐसे ही कह रही है, तो कहती है हाँ जा कर दो, तो एकदम से खड़ी हो जाती है। तो ईशू कहती है सॉरी 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 सॉरी, नहीं 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 करूँगी मैं कुछ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो राबिया मन ही मन सोचती है कि इसकी कंप्लेंट कर ही देनी चाहिए, इसने जो है ना दुखी कर दिया है मुझे, और बदला लेने का अच्छा मौका भी है। फिर दूसरे पल वो सोचती है नहीं यार, पूरा साल ख़राब हो जाएगा इसका, रहने दो जाने दो। और ये सोच के वो बैठ जाती है। तो सर पूछते हैं क्या हुआ, तुम खड़ी क्यों हुई थी? कहती है सर वो पता नहीं मेरे शो में शायद कुछ बार बार मुझे चुभ रहा था, वही देख रही थी। और ये कह के वो बैठ जाती है। ईशू से आँखों ही आँखों में डर ऐसे घूर के देखती है। राबिया कहती है ज़्यादा भाव खाए ना, मेरे पास अभी भी मौका है। तो ईशू फिर आगे देखने लगती है और अपना एग्ज़ाम सॉल्व करने लगती है। राबिया भी अपना एग्ज़ाम देती है। धीरे धीरे ऐसे ही लड़ाई झगड़ा छेड़छाड़ टीस करते हुए एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाते हैं और गर्मी की छुट्टियां आ जाती हैं। स्कूल की छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां, हाय हाय, किस किस को छुट्टियां बुरी लगती थी आज ज़रूर बताइएगा। स्टार्टिंग में छुट्टी होती थी, जब छुट्टियां पड़ती थी गर्मियों की, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता था क्योंकि स्कूल जाना बड़ा पसंद था। तो उस समय मुझे भी ऐसा लगता था कि यार ये क्या है, क्यों छुट्टियां पड़ गई, ये छुट्टियां नहीं पड़नी चाहिए थी, इस तरह की सोच मेरे मन में पैदा होती थी। बट धीरे 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 रम जाते थे। आप में से किस किस को स्कूल की छुट्टियां नहीं पसंद थी वो ज़रूर बताना। इसको तो स्कूल की छुट्टियां पढ़ने वाली होती हैं, लास्ट डे होता है स्कूल का, तो जो है सब स्कूल आते हैं और ईशू भी जो है स्कूल जाती है और मौका ढूंढती है राबिया से लड़ने का। राबिया के पास जाती है और जाके वहाँ सब बैठे होते हैं, तो कहती है ये राबिया ये इतनी इंटेलिजेंट बनती है और ये चीटर है, चीटर बहुत बड़ी चीटर हो तुम। तो राबिया कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या चीटिंग की है मैंने? तो कहती है आप मेरी नोटबुक मेरी कॉपी से मेरी एग्ज़ाम शीट से देख कर लिख रही थी। राबिया बोलते हाँ इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे जो आपकी एग्ज़ाम शीट से मैं देख कर लिखूँगी, है ना? ईशू बोलती है कि बुरे दिन का मतलब क्या है आपका, मैं पढ़ती नहीं हूँ। राबिया कहती है पूरे स्कूल को पता है, पूरे स्कूल को छोड़ो आसपास के स्कूलों को भी पता होगा कि तुम कितना पढ़ती हो और कितना नहीं। बस राबिया ने इतना ही बोला और ईशू तो शुरू हो गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, आज तक किसी क्लास में अटकी नहीं हूँ, सब कुछ जो है ना अपने दम पे पास करती आ रही हूँ, हाँ तो बस पास ही करती हूँ ना, अच्छे मार्क्स तो नहीं लाती हो, लाओगी कैसे? फुर्सत मिले लड़ाई झगड़े दूसरे को परेशान करने से तब तो कुछ करोगी, और तो कम ना तो तुमसे कुछ होता नहीं है। ये दोनों खूब बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं, और स्कूल उधर स्कूल के सारे बच्चे इन दोनों को ही देखते हैं, अच्छा एंटरटेनमेंट करा रहे हैं सबका। इतने में सृष्टि आती है और बोलती है कि आज लास्ट है यार, आज तो मत लड़ो तुम दोनों, नेक्स्ट ईयर इस स्कूल में एडमिशन ले लेना और फिर लड़ लेना। आज हम लोग यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए थे, आज तो कोई आने वाला नहीं था, हम लोग बस इसीलिए इकट्ठा हुए थे ना कि आज लास्ट है, सही से एंजॉय करना है, लेकिन तुम दोनों को आज भी लड़ना है,
अगर यही हरकतें करते रहे ना, यहाँ का प्रिंसिपल तुम दोनों को एडमिशन नहीं देने वाला। तुम दोनों ने मिलकर ना स्कूल का एटमॉस्फेयर ख़राब करके रख दिया है। और सृष्टि कहती है, ईशु यार तुम ना सच में यार हर चीज़ की हद होती है, तुम क्यों लड़ती हो इससे? तभी मैम भी आ जाती हैं। मैम भी कहती हैं कि हाँ सच में हद होती है, मैंने भी ये चीज़ नोटिस की। ईशु क्यों लड़ रही थी तुम? इतना कोई लड़ता है क्या? तुमने तो रिकॉर्ड बना रखा है, न्यू एडमिशन्स को भी नहीं छोड़ती हो, सबसे लड़ने लगती हो, ये कोई बात होती है? इतना लड़ना? हराबिया अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है, ईशु को डांट पड़ रही होती है। मैम आगे बोलती है कि एक साल हो चुका है लड़ते लड़ते, अब तो ख़त्म कर दो लड़ाई करना। वाह, मेरी स्टोरी के 8 चैप्टर में 1 साल पूरा हो गया, पहली बार हुआ है ना। चलो एंजॉय करो, 1 साल पूरा हो गया दोनों को। तो ईशु कहते हैं मैम मैं नहीं लड़ती, यही लड़ती है मुझसे, पता नहीं आ जाती है जाने कहाँ से। तो मैम सृष्टि से पूछते हैं कि सृष्टि कौन आया था लड़ने? सृष्टि बोल देती है मैम ईशु इसी को लड़ना था। ईशु को गुस्सा आ जाता है, वो सृष्टि को गुस्से से देखती है और मन में कहती है मेरी दोस्त होकर राबिया के साथ दे रही है। और सृष्टि मन ही मन कहती है यार मैं क्या करूं, सच में बेचारी करेगी तो क्या करे। हर बार ईशु की गलती होती है लेकिन वो मानती ही नहीं है, लड़ाकू इतनी होती है। अब सृष्टि के मुंह से ये सुन के तो मैम डांट देती हैं ईशु को। ईशु को गुस्सा तो आता है फाइनली लेकिन वो करती भी क्या, चुप ही रहती है। और उसके बाद थोड़ी देर ये लोग वहाँ रहते हैं, फिर अपने अपने घर चले आते हैं। जब राबिया घर आती है तो बहुत खुशी खुशी आती है और हैप्पी होती है। तो उसकी मम्मी पूछते हैं कि क्या हो गया? तो वो कहती है कुछ नहीं, अब मेरी ज़िंदगी में थोड़ी शांति रहेगी मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती है मतलब, समझी नहीं मैं। तो राबिया ये बोल के थोड़ी झेप जाती है, फिर कहती है अरे मम्मा स्कूल से छुट्टी हुई है, स्कूल से छुट्टी की इतनी खुशी हो रही है, पहले तो तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। कहती मम्मी कभी कभी कुछ चीज़ें ज़िंदगी में नई नई अच्छी लगने लगती हैं। अच्छा डायलॉग बस ही। फिर ये कहते हुए वो अंदर चली आती है और अपने बेड पर लेटती है और कहती है फाइनली इस इशू से अब कुछ दिन के लिए छुटकारा मिल गया, थोड़ा ज़िंदगी में मेरी शांति रही है, उसकी चिक 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 नहीं सुननी पड़ेगी। क्या बात है, मज़ा सा आ गया। अब उसका ना चेहरा देखना पड़ेगा ना उसकी वो करकर से आवाज़ सुननी पड़ेगी। भगवान ये छुट्टियाँ बढ़ा देना। इधर जो है ईशु जो है अपने घर आती है, सृष्टि भी होती है उसके साथ, तो कहते हैं यार छुट्टियाँ पड़ गई। तो कहते हैं हाँ तो अब मैं किससे लड़ूंगी? सृष्टि यार तू जानबूझ कर लड़ती है उससे, बस कर जा। ईशु कहते हैं यार मज़ा आता है मुझे उससे लड़ने में, मुझे ना ऐसा सुख मिलता है कि ऐसा सुख मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। कहती है क्या मतलब है तेरा? कहती है कसम से बहुत मज़ा आता है उससे लड़ने में, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा। सृष्टि कहती है कि हद हो गई है यार। कहती है हाँ सच में जब वो मेरे साथ बहस करती है फिर मुझे और मज़ा आने लगता है, तो मेरे और लड़ाई करने का मन करता है। कहती है हद है यार, तेरे जैसा इंसान नहीं देखा मैंने आज तक। कहती है देखेगी भी नहीं। सृष्टि कहती है कि ठीक है फिर, अगर तू उससे ऐसी लड़ेगी ना मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लूँगी, फिर तुम दोनों लड़ते रहना ठीक है। ईशु कहती क्या है यार, ठीक है नहीं लड़ूँगी अब स्कूल ये छुट्टियाँ ख़त्म होंगी ना मैं कभी नहीं लड़ूँगी उससे, प्रॉमिस पक्का वाला।
और उसके बाद सृष्टि अपने घर चली जाती है। यीशु भी अपने घर में ही होती है, तो उसकी मम्मा पैकिंग करने बैठी हुई होती हैं। तो वो आके पूछती है कि पैकिंग किस लिए, तो कहते हैं कि राजस्थान जा रहे हैं। तो कहती है राजस्थान क्यों, कहती है उसकी मम्मा कहती हैं नानी क्यों, तो यीशु का मन उदास हो जाता है क्यों कि उसे अपने मामा के बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसे अच्छा कौन लगता है भाई, कोई मुझे बताए, सृष्टि के अलावा खुशी के अलावा कौन अच्छा लगता है, कोई भी नहीं लगता। हद हो गई है इसकी, तो वो उदास होती है। और फिर वो अपने अंकल आंटी के यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है बेटा, क्या बात है, राजस्थान जाने की तैयारी कर रही हैं मम्मा और मुझे भी लेके जाएंगी, मुझे नहीं जाना अंकल, कुछ करो ना, मुझे नहीं जाना वहाँ पे, मुझे नहीं अच्छा लगता वहाँ। मुझे नहीं जाना है, कुछ कुछ करो ना प्लीज़। तो कहते हैं एक बार हुए आओ, वैसे भी पूरे साल कहाँ जाना है। हाँ, तो एक बार चली जाओ, उसके बाद तो फिर पूरे साल यहीं रहना होता है, और आपके मम्मा भी कहीं नहीं जाते तो वो भी चली जाएंगी, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, थोड़े दिनों के लिए चली जाओ, हुए आओ। तो कहते हैं हम वैसे भी मम्मा मुझे छोड़ के तो जाएंगे नहीं, तो बहस करने का कोई फ़ायदा है नहीं। फिर वो अपने मन को किसी तरह मनाती है, उसके बाद वो अंकल आंटी के साथ पार्टी करती है, क्योंकि छुट्टियां पड़ गई होती हैं। इधर जो है राबिया अपने घर में बैठी होती है, तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि कहाँ जाना है, कहीं तो सोचा होगा कहीं घूमने चलते हैं, छुट्टियां पड़ गई हैं। तो राबिया कहती है मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है, मैंने तो ये सिटी नहीं देखी, मुझे इसी सिटी में घूमना है, ये सिटी घुमाओ मुझे, मुझे और कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं घूमूंगी। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं ओके ठीक है, फिर यही सिटी घूमते हैं, अगर तुम्हारा और कहीं जाने का मन नहीं है तो यहीं घूमेंगे हम, ठीक है। सो अब चिल करो और तुम अपना मूड, वैसे भी तुम इतना हैप्पी हैप्पी हो, तो आज के दिन रेस्ट करो, आज के दिन घर पे पार्टी करते हैं, कल से घूमने चलेंगे। तो राबिया खुश हो जाती है। तो अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, आज की स्टोरी शॉर्ट है क्योंकि टाइम कम है और काम ज़्यादा है, तो आगे की स्टोरी कल सुनेंगे। बाय बाय, टेक केयर।